वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग सरल इंग्लिश ग्रुप स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ड। और हमारे साथ सीखे बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश, दिस इज सुरेश मोरे। और चलिए फ्रेंड्स, हमारे इस नए वीडियो लेसन की शुरुआत करते हैं। आप नोटबुक पेन कॉपी निकाल करके फिर से तैयार रहिए सिंपल सेंटेंसेस के, पार्टिसिपल्स के सेंटेंसेस सीखने के लिए, कुछ और उदाहरण देखने के लिए। हमारे इस वीडियो नंबर 3 में स्टेप बाय स्टेप हम एक बार और करेंगे हमारे सेंटेंसेस प्रेजेंट पार्टिसिपल के, हम देखेंगे कुछ और नए एग्जांपल, फिर से पढ़ेंगे हमारे सेंटेंसेस। इस नए लेसन के साथ में हम देखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे जीवन में एक विशेष भूमिका निभाता है। जैसे कि हमने पहले पढ़े हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंसेस, मेन वर्ब में किस तरह से, मुख्य क्रियाओं में किस तरह से आईएनजी के कुछ अलग रूप हमारी बोलचाल में प्रयोग होते हैं, जिन्हें नॉन फिनाइट वर्ब के नाम से हम जानते हैं। उन नॉन फिनाइट वर्ब के किस तरह से, उन 3 प्रकारों को हमने देखा है। हमने पढ़े हैं कि इन्फिनिटिव के सेंटेंसेस, जेरंड के सेंटेंसेस और पार्टिसिपल में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंसेस देख रहे हैं। हमने पढ़े हैं कि नॉन फिनाइट वर्ब 3 तरीके के होते हैं। अगर आपने हमारे सारे पिछले वीडियोस को देखा है तो आपने प्लेलिस्ट में भी हमने सारे लेसन सेव करके रखे हैं। अगर आप लगातार हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो आपने सारे सेंटेंसेस को किस तरह से बनाए जाते हैं सीखा होगा। कुछ लिंक भी हमने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, जहां से आप डायरेक्ट हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे पिछले वीडियो से आप शुरुआत करें सिंपल सेंटेंसेस, और जो बेसिक लेसन से आप शुरुआत करें। हम पढ़ रहे हैं आज हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनने वाला यह हमारा 3रा वीडियो, जहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से काम जारी रहने के संकेत को लगातार हम एक ही सेंटेंस में किस तरह से जोड़ के बना सकते हैं। हमें अलग से 2 वाक्यों को नहीं बोलना पड़ता। हम एक ही सेंटेंस में किस तरह से मुख्य क्रिया और अलग से आने वाली आईएनजी को जोड़ करके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत हम देखेंगे आईएनजी के एक रूप को हमारे सेंटेंसेस में, एडजेक्टिव या एडवर्ब के काम को हम दिखाएंगे। हमारे सेंटेंसेस के कुछ हिंदी में अनुवाद वहां पर बीच में आपको कभी कभी दिखाई पड़ेंगे। हुआ, हुए, कर, करके, ऐसे हिंदी में के सेंटेंसेस हमें दिखाई पड़ेंगे, जो इस समय हम एग्जांपल देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमारा ये एडवर्ब से बनने वाला एक एग्जांपल है। चलिए पढ़ते हैं हमारे इन सेंटेंसेस को। आप पहले सारे सेंटेंसेस देख लीजिए, समझ लीजिए। हमारे सेंटेंसेस उसी ही तरह के जो हम जीवन में बोलते हैं, पिछले वीडियोज में भी हमने ऐसे सेंटेंसेस बनाए हैं। हमारा पहला सेंटेंस, ऑल हैव सीन दैट मैन ही वाज स्टैबिंग दिस बॉय। हम सब ने उस आदमी को देखा है, इस लड़के को चाकू मारते हुए। हमारा ये सेंटेंस, 2 सेंटेंस हम जोड़ करके एक बनाएंगे, सिंपल रूप देंगे, आसानी से बोलेंगे। एक्स्ट्रा आने वाले किसी भी शब्द को हमारे इस सिंपल सेंटेंसेस में, जहां पर हमें जरूरत नहीं है, हम उसे जोड़ करके प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाते हैं हमारा आंसर। ऑल हैव सीन दैट मैन स्टैबिंग दिस बॉय। हमारा जो आंसर बनता है इस समय, ऑल हैव सीन दैट मैन, ऑल हैव सीन दैट मैन स्टैबिंग दिस बॉय, तो हमारा आसानी से वो आंसर बन जाता है, सभी ने उस आदमी को, इस लड़के को चाकू मारते हुए देखा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमारे पास गवाह होते हैं कि किन लोगों ने उस काम को होते हुए देखा है। तो जो काम हो रहा है चाकू मारने का, उस समय वो हो रहा है। देखिए, हमें संकेत मिल गया उस समय किसी काम के जारी रहने का। All have seen that man stabbing this boy. तो हमारे पास 2 क्रिया हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में आप एक वर्ब देख रहे हैं एक सेंटेंस में, और हम देख रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दूसरा सेंटेंस। हमने जब इन सेंटेंसेस को मिला करके एक ही बना दिया, तो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी का एक रूप देकर के एडवर्ब क्लॉज में एक सेंटेंस बनाया। All have seen that man stabbing this boy. सभी ने उस आदमी को, इस लड़के को, देखिए किस तरह से हो रहा है, उस आदमी को, इस लड़के को चाकू मारते हुए देखा है। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ऐसे ही सेंटेंसेस आप तलाशने की कोशिश करिए आपके आसपास, आपके जीवन में आप किस तरह से बोलते हैं। हमारा अगला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर देखते हैं। 3 सेंटेंसेस को हम यहां पर जोड़ेंगे। इस बार हमारे पास 3 सेंटेंस होंगे जिन्हें हम जोड़कर एक ही रूप दे देंगे। इज देयर एनीवन हु सॉ यू यू वर रिटर्निंग मनी। क्या कोई है जिसने तुम्हें देखा, तुम पैसे लौटा रहे थे। तो हम इसे एक ही बार में कैसे बोलेंगे, क्या कोई है जिसने देखा है तुम्हें, पैसे तुम लौटा रहे थे। तो हम इसको बनाएंगे, इज देयर एनीवन हु सॉ यू रिटर्निंग मनी। क्या है कोई जिसने तुम्हें पैसे लौटाते हुए देखा। तो कोई है जिसने तुम्हें पैसे लौटाते हुए देखा। आप मात्रा को वहां पर सही कर लीजिए, हमसे मात्रा वहां पर हिंदी के सेंटेंस में छूट गई है। लौटाते आप लिख लीजिएगा आपकी कॉपी में, इज देयर एनीवन हु सॉ यू रिटर्निंग मनी। कोई है जिसने तुम्हें पैसे लौटाते हुए, हिंदी में सही कर लीजिए, हमारी गलती है वहां पर, लौटाते हुए देखा। तो देखिए हमने 3 सेंटेंस को किस तरह से एक ही रूप में, एक ही साथ जोड़ करके सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना लिया है। तो हमारे ही सेंटेंस आसानी से बोलने के लिए हमारी लाइफ में अंग्रेजी के सेंटेंसेस को हम किस तरह से सीख सकते हैं,
चलिए आप हमारी इस सीरीज में अगला एग्जाम्पल देते हैं आपके स्क्रीन पर। दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं हमारे पास्ट में। इस बार जो आप सेंटेंस देख रहे हैं वो पेसिव का पास्ट है, सिंपल पास्ट में। टुडे दैट बॉय वाज कॉट, ही वाज स्टीलिंग मोबाइल्स फ्रॉम द शॉप। आज वो लड़का पकड़ा गया, वो मोबाइल चुरा रहा था दुकान से, तो वो दुकान से मोबाइल चुराते हुए पकड़ा गया। टुडे दैट बॉय वाज कॉट, ही वाज स्टीलिंग मोबाइल्स फ्रॉम द शॉप। हम बनाते हैं टुडे दैट बॉय वाज कॉट स्टीलिंग मोबाइल्स फ्रॉम द शॉप। वो लड़का आज दुकान से मोबाइल चुराते हुए पकड़ा गया, तो उसे किसी ने पकड़ लिया है, उसकी चोरी पकड़ी गई है। हम यहाँ पर जान गए कि जो काम वो चुराने का उस समय हो रहा था वो वहाँ पर किसी काम के होने का संकेत हमें मिल गया, क्योंकि उसने चुराते हुए उसको लोगों ने पकड़ लिया है। दैट बॉय वॉज कॉट स्टीलिंग मोबाइल्स फ्रॉम द शॉप। एक ही सेंटेंस में हमारा वो सेंटेंस पूरा बन गया, समझ में आ गया, आसानी से हम उस सेंटेंस को बोल पाए। हमें ज्यादा दो वाक्यों में, दो अलग अलग सेंटेंस में नहीं बोलना पड़ा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं आपके स्क्रीन पर। सी वॉज वीपिंग, सी एंटर्ड द रूम। हम देख रहे हैं दो सेंटेंस, हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस और सिंपल पास्ट में हमारा सेंटेंस है। सी एंटर्ड द रूम वीपिंग, हम इसे आराम से बोल सकते हैं। वह रोते रोते कमरे में अंदर आई, हमारे सेंटेंस हंसते हंसते रोते रोते, ऐसे सेंटेंस हमारे जीवन के। सी एंटर्ड द रूम वीपिंग, वो रोते रोते कमरे में अंदर आई। तो हमने दो सेंटेंस को, दो पास्ट के सेंटेंस को एक ही रूप में बना दिया। हमारे पास मेन वर्ब है एंटर्ड और हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फिनाइट वर्ब है वीपिंग। हमारे सिंपल पास्ट का सेंटेंस, हमारे पास एंटर जो है वो फिनाइट वर्ब है और हमारा जो वीपिंग इस समय आप देख रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो नॉन फिनाइट वर्ब है। तो अगर आप फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब के पहचान को जान चुके हैं तो अब तक के वो सीख चुके हैं। अगर आप इस समय हमारे वीडियो में पहली बार सेंटेंसेस को देख रहे हैं तो आप फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब को समझने के लिए हमारे पिछले वीडियोस को जरूर देखिए, ताकि आपको समझ रहेगा, आप जान पाएंगे कि फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब किस तरह के होते हैं। हमें ग्रामर में इतने अंतर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सेंटेंसेस को बनाना सीख जाइए, आप बोलना सीख जाइए, आपको आसान हो जाएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर दो हमारे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में, हम दोनों को अलग अलग तरीके से जोड़ के देखेंगे। शीला ईट्स फूड, शीला सिंग सॉन्ग। शीला खाना खाती है, शीला गाना गाती है। हम इसे कैसे बना सकते हैं अगर वो एक ही टाइम पर दोनों काम करती है। शीला सिंग्स सॉन्ग ईटिंग फूड, हम कहेंगे कि शीला गाना खाना खाते खाते गाना गाती है। हम कह रहे हैं कि शीला खाते हुए गाना गाती है, खाते खाते गाना गाती है। और अगर हम ऐसा कहें कि शीला गाते हुए खाना खाती है, शीला गाते गाते खाना खाती है, तो दोनों तरीके के हम सेंटेंस को बना सकते हैं। यहाँ पर हम एक ही बार में ऐसे सेंटेंस को बोल सकते हैं। शीला एक ही काम, एक ही समय में दो काम को कैसे कर रही है। शीला सिंग्स सॉन्ग ईटिंग फूड, शीला ईट्स फूड सिंगिंग सॉन्ग्स। तो देखिए हमने दोनों सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस को रूप दिया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ दिया है, सिंपल सेंटेंस बनाया है। और यहाँ पर वो हमारे दोनों ही सेंटेंस एडवर्ब के सेंटेंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो सिंग है पहले सेंटेंस में उसकी विशेषता को खाते हुए दिखाया जा रहा है, और दूसरे सेंटेंस में जहां पर हमारा मेन वर्ब ईट है हम उसको सिंगिंग के साथ जोड़ करके गाते हुए दिखा रहे हैं। अगला एग्जाम्पल हम इस तरह के करते रहेंगे और एग्जाम्पल सीखेंगे और सेंटेंसेस देखेंगे। तो आप भी इस तरह के सेंटेंसेस अपने जीवन के, अपने आसपास के ढूंढिए, बनाने की कोशिश करिए। आपके पास इस तरह के कैसे सेंटेंसेस निकल कर आते हैं उन्हें पहचान करके, लिख करके सेंटेंसेस बनाइए हमारे साथ। आपके व्यूज को जरूर शेयर करिए, कमेंट करिए आप किस तरह के सेंटेंसेस सीख पा रहे हैं। अगले सेंटेंसेस के साथ हम अगले पेज पर चलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, जहां पर आईएनजी के रूप को हम अलग ढंग से कैसे बनाएंगे, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में हम सेंटेंसेस देखेंगे। हमने पिछले पेज में देखा एडवर्ब के हमारे एग्जाम्पल थे, जहां पर हमने सेंटेंस में अनुवाद हिंदी के साथ देखा, हुआ हुए कर करके हमारे हिंदी के एक टुकड़ा छोटा सा दिखाई पड़ता है हमारे सेंटेंस में। इस समय जो एग्जाम्पल देखेंगे इस पेज में प्रेजेंट पार्टिसिपल के, वो एडजेक्टिव के रूप में हमें देखने को मिलेंगे, वो टुकड़ा आप लाल रंगों से देख पाएंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर, विलेजर सॉ अ थिंग इट वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। गांव वालों ने देखा है कोई चीज वो आसमान में उड़ रही थी। हम इस सेंटेंस को कैसे एक ही बार में बोल देते हैं, विलेजर सॉ अ फ्लाइंग थिंग इन द स्काई। गांव वालों ने आसमान में एक उड़ती हुई चीज देखी। तो देखिए हमको दो बार दो सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको एक ही बार सेंटेंस बोलना हो आसानी से सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हम बना सकते हैं। विलेजर सॉ अ फ्लाइंग थिंग इन द स्काई, गांव वालों ने आसमान में एक उड़ती कोई चीज देखी। चलिए इस तरह का सेंटेंस बन गया। आप भी इस तरह के सेंटेंसेस को
सोचिए किस तरह से आप दो सेंटेंसेस को जोड़ के सिंपल बना पाएंगे। अगला एग्जांपल हम देखते हैं, इस बार एक और, हंटर शॉट द बुलेट एट द बर्ड वॉज फ्लाइंग। तो यहाँ पर जो शिकारी है उसने किसी चिड़िया पर, किसी पक्षी पर गोली चलाई है, वो चिड़िया उड़ रही थी, तो उड़ती हुई चिड़िया पर गोली चला दी है। हम बोल दें सिंपल शॉट छोटा करके, हंटर शॉट द बुलेट एट द फ्लाइंग बर्ड, शिकारी ने उड़ती हुई चिड़िया पर गोली चलाई। हमारा सेंटेंस बन गया, दो सेंटेंस को हमने बना दिया, सिंपल पास्ट के सेंटेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस को हमने जोड़ लिया। हमारे पास जो फ्लाइंग है वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में आने वाला नॉन फिनाइट वर्ब है, और हमारे पास जो शॉट है सेकेंड फॉर्म में वो हमारा फिनाइट वर्ब है। फिनाइट वर्ब नॉन फिनाइट वर्ब के जो अंतर होते हैं वो हम पहले जान चुके हैं। फिनाइट वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है, हंटर यहाँ पर शॉट के लिए सब्जेक्ट है, हंटर सब्जेक्ट है, शॉट उसका वर्ब है, और जो आप देख रहे हैं फ्लाइंग ये भी हमारा वर्ब है लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इस फ्लाइंग का खुद का कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं और एक छोटा सा यहाँ पर सेंटेंस, ये इस बार जो देख रहे हैं आप हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यहाँ पर एक सेंटेंस है छोटा सा पहले ही दिख रहा है, और उसे छोटा कैसे कर सकते हैं हम। ऑल लाइक द बर्ड्स हु फ्लाई, सभी को चिड़िया पक्षी पसंद होते हैं जो उड़ते हैं, सभी को पक्षी पसंद होते हैं जो उड़ते हैं, हम इसे बोल रहे हैं ऑल लाइक फ्लाइंग बर्ड्स, सभी को उड़ने वाली चिड़िया पसंद होती है, उड़ती हुई चिड़िया पसंद होती है, सभी को उड़ती हुई चिड़िया पसंद है, पसंद होती है। हमने कहा किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमने और छोटा सिंपल बना दिया है, यहाँ पर सिंपल कर लिया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से उसको और छोटा रूप दे दिया है, ऑल लाइक फ्लाइंग बर्ड्स हमने इसी को कह लिया, सभी को उड़ती हुई चिड़िया पसंद होती है। और एक सेंटेंस देखते हैं हमारे सेंटेंस, आई एम मेकिंग अ मॉडल इट विल वर्क, मैं एक मॉडल बना रहा हूँ साइंस का, अगर कोई प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन है साइंस की, स्कूल में, कॉलेज में या किसी जगह पर आपकी प्रदर्शनी है, हमने कहना है मैं एक मॉडल बना रहा हूँ, इट विल वर्क मतलब वो वर्किंग मॉडल होगा, वो वहाँ पर काम करके दिखाएगा, वो चार्ट में बना हुआ कोई डायग्राम नहीं होगा, कोई मैप नहीं होगा, तो हम बना रहे हैं आई एम मेकिंग अ मॉडल इट विल वर्क, हम इसे सिंपली कह सकते हैं आई एम मेकिंग अ वर्किंग मॉडल, मैं एक सजीव काम करके दिखाने वाला जो मॉडल है वो बना रहा हूँ। तो मैं क्या बना रहा हूँ, जो मॉडल है मैं एक सजीव मतलब वर्किंग मॉडल बना रहा हूँ, मैं एक सजीव काम करके दिखाने वाला बना रहा हूँ, यहाँ पर मॉडल आप लिख लीजिए हिंदी में, एक सजीव मॉडल बना रहा हूँ। तो देखिए हमारे वो सेंटेंसेस हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस कर लिए हैं, सिंपल सेंटेंसेस से और छोटे बना लिए हैं, उनको आसानी से बोलने के हमने तरीके ढूंढ लिए हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस रूप में सिंपल सेंटेंस जो होता है वो हमें आसान बना देता है अंग्रेजी के सेंटेंस बोलने के लिए। हम ये जान रहे हैं कि आईएनजी और किस तरह से अलग अलग ढंग से अंग्रेजी के वाक्यों में प्रयोग होता है, हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था कि जेरंड में हमारे आईएनजी के सेंटेंसेस कैसे अलग से आते हैं। तो आप सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जरूर करिए, अपने सेंटेंसेस बनाइए। अब हमारे सारे सेंटेंसेस जो आपने अभी देखे हैं इस वीडियो में नोट कर लीजिए, कॉमेंट जरूर करिए, सारे सेंटेंसेस को एक बार अपने जीवन से ढूंढने की कोशिश जरूर करिए। आपके पास अब बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स होते जा रहे हैं, अगर आपने शुरुआत से हमारे इस यूट्यूब चैनल से सेंटेंसेस देखे हैं, हिंदी और अंग्रेजी के एग्जाम्पल्स देखे हैं, स्टोरीज देखे हैं, मॉडल्स देखे हैं, रोज प्रयोग आने वाले सेंटेंसेस जो हमने अलग से किए हैं, पेशियों के सेंटेंसेस जीवन में हिंदी और अंग्रेजी में कैसे बोले जाते हैं वो भी हमने हमारे साथ इस वीडियो में हमने सीखा है, और हम सीख रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस के हमारे वो भाग जो हमारे जीवन के बहुत उपयोगी होते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, देयर द बर्ड्स वर हैंगिंग अपसाइड डाउन आई सॉ देम, हमारे यहाँ पर है कि जो चमगादड़ हैं उल्टे लटक रहे थे, आई सॉ देम मैंने देखा है उन्हें, मैंने देखा, तो यहाँ पर मैंने देखा चमगादड़ उल्टे लटक रहे थे वहां, हम इसे बना देते हैं छोटा सा, एक रूप देते हैं दो बड़े सेंटेंस छोटे सेंटेंस को और छोटा कर लेते हैं, आई सॉ देयर हैंगिंग बर्ड्स अपसाइड डाउन, मैंने चमगादड़ वहां पर उल्टे लटके हुए देखा, तो वहां पर मैंने चमगादड़ उल्टे लटके हुए देखा, यहाँ पर सेंटेंस छोटा हो गया। आप देख रहे हैं कलर कोड में आने वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल के हर जो भाग हैं उनके रूप हैं, उनके वर्ब को पार्टिसिपल को पहचान रहे हैं, सिंपल सेंटेंसेस के हम रूप देख रहे हैं, आई सॉ देयर हैंगिंग बर्ड्स, मैंने वहां पर उल्टे लटके हुए चमगादड़ देखा, हम ऐसा भी हिंदी में कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल हो गए हैं, आप फिर से हमारे इन सेंटेंसेस को देख लीजिए, पूरे सेंटेंसेस को समझ लीजिए, पूरे वीडियोस के साथ में आपको और भी एग्जाम्पल सोचने को अभी मिले होंगे, देखते देखते करते करते पढ़ते पढ़ते नहाते नहाते चलते चलते ऐसे सेंटेंसेस हमारे जो हिंदी में निकल जाते हैं वो सारे पार्टिसिपल से कैसे आप बना पाएंगे, इस तरह के एग्जाम्पल हम और भी करेंगे। आप अपने तरीके के सेंटेंसेस जरूर हमारे साथ शेयर करिए, आपके एक्सपीरियंस शेयर करिए, आपके जो भी आपने सेंटेंसेस सोचे हैं
आप हमारे साथ जरूर शेयर करिए, कमेंट करिए आप किस तरह से सीख रहे हैं, हमारे इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस को कलर कोड के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी के सेंटेंस देख के सीख पाए। कीप वॉचिंग सरल इंग्लिश ग्रू, स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ड, सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड कमेंट, प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट वीडियो, शेयर योर नॉलेज विद अस, मेक अवर ग्रुप लार्जर एंड बेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।